हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त शरीफ अहमद कादरी और आप देख रहे हैं राजा टेक्नोलॉजी टिप्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने किसी भी वीडियो के नीचे जो लाइक और डिसलाइक के ऑप्शन होते हैं वहां पर शो होता है कि हमारे इस वीडियो पर लाइक कितने एंड डिसलाइक कितने हैं। लेकिन दोस्तों, कभी ऐसा होता है कि हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें बाद में हमें पता चलता है कि उस पर लाइक से ज्यादा डिसलाइक आ जाते हैं और हम नहीं चाहते कि कोई हमारा नया व्यूअर आए तो उसको ये चीज नजर आए कि इस वीडियो पर लाइक्स कम है एंड डिसलाइक ज्यादा है। तो इस ऑप्शन को आप अगर चाहें तो हाइड कर सकते हैं। इसको हाइड करने के बाद आपके बटन तो शो होंगे लाइक डिसलाइक के, लेकिन उस पर आपको ये नजर नहीं आएगा कि लाइक्स कितने हैं और डिसलाइक कितने हैं। तो अगर आप भी अपने किसी वीडियो के लाइक एंड डिसलाइक को हाइड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले YouTube ओपन कर लेना अपने ब्राउजर में। इसके बाद आपको राइट कॉर्नर पे अपने जो चैनल का आइकन होता है उस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो क्रिएटर स्टूडियो का ये ऑप्शन नजर आ रहा है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। इस क्रिएटर स्टूडियो के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और एक क्रिएटर स्टूडियो जब आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाए तो आपको ये लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा यहाँ पे वीडियो मैनेजर का। तो आपको इस वीडियो मैनेजर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सारे अपलोड वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। अब आपको वो वीडियो सिलेक्ट करना है जिसमें आप हाइड करना चाहते हैं लाइक एंड डिसलाइक के ऑप्शन को। तो अकाउंट को हाइड करने के लिए चलिए मैं कोई एक वीडियो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वाले वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एडिट पे क्लिक कर देता हूँ। एडिट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन आपके सामने आएंगे। तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन नजर आ रहे होंगे नीचे की साइड में, बेसिक, ट्रांसलेशन एंड एडवांस सेटिंग। तो आपको इसमें सिर्फ एडवांस सेटिंग पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं एडवांस सेटिंग पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही एडवांस सेटिंग पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको इस तरह का ऑप्शन नजर आएगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूँ, यूजर कैन व्यू रेटिंग फॉर दिस वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पर जो टिक मार्क आपको नजर आ रहा है आपको इस टिक मार्क को यहाँ से हटा देना है और इसके बाद आपको सेव कर देना है अपने इस वीडियो को। तो जो सेटिंग हमने यहाँ पे किया वो सेव हो चुकी है। चलिए अब मैं न्यू आईडी से इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको इसी वीडियो को कि ये सेव हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए यहाँ से मैं अपने चैनल को ओपन करता हूँ। तो चलिए मेरी इस आईडी से उस चैनल को ओपन करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यही वो वीडियो जिसका हमने चेंजिंग किया है। तो चलिए इसे मैं ओपन करके देखता हूं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइक एंड डिसलाइक के ऑप्शन तो नजर आ रहा है लेकिन यहाँ पे काउंट नजर नहीं आ रहा है कि कितने लाइक हैं और कितने डिसलाइक हैं। तो इसी प्रोसेस से दोस्तों, आप भी अपने किसी भी वीडियो में लाइक एंड डिसलाइक के जो काउंट होते हैं उनको हाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाजत दीजिए।